हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज ये वीडियो फारूक भाई ने मुझे वीडियो भेजा है। तो गाइज आप देख सकते हैं मशीन पलटी हुआ है। कैसे पलटी हुआ ना भाई, जहाँ कि वहाँ पे खेत लेवल कर रहा था ऐसे ही, लेकिन गलती क्या कर दिया कि भाई वहाँ पे राइट साइड में, मतलब है ना, जब भी देखो जब उस साइड में जब मिट्टी ढकलते ना भाई, तो वहाँ पे ना भाई पूरा हल्का रहता है मिट्टी, क्योंकि वहाँ पे हम ढकल ढकल के ना भाई हल्का रहता है ना भाई। तो वहाँ पे क्या कर दिया कि वो सीधा स्ट्रेट में ही मिट्टी ढकलता रहता। तो एक साइड में ना मिट्टी, दूसरा खेत है ना, सीधा जो खेत में काम कर रहा है मिट्टी, खेत में जो खेती मिट्टी ढकल रहा है ना भाई, तो राइट साइड में ना खड्डा है, मतलब डाउनल में ना एक और खेत है। तो उस साइड में ना मिट्टी है ना थोड़ा कम है, मतलब उस साइड में मिट्टी नहीं है ना, सीधा ही मिट्टी ढकल रहा है। तो राइट साइड में ना क्या हुआ कि आगे जाके ना राइट साइड में ना भाई बड़ा टायर है ना खस गया। तो उसने क्या किया कि मशीन खसने की वजह से ना भाई, मतलब एक खड्डे के साइड में ना खसने की वजह से ना मशीन है ना भाई, तो उसने लोडर को पलटी मारा और मशीन को सीधा करने की कोशिश किया है बूम से उठाने की, लेकिन ये नहीं जमा उसे, इसलिए वहाँ पर मशीन ही पलटी मार खा गया। आप देख सकते हैं मशीन किस तरह से पलटी खा गया। जब भी है ना मशीन है ना भाई, बड़ा टायर जो अगर ऐसा मतलब है ना खस जाए ना भाई, तो उस टाइम पे है ना क्या करना चाहिए कि भाई एक तो रहना भाई, अगर दोनों टायर में, अगर लोडर का आगे का जो टायर है ना भाई ऊपर साइड में है और सिर्फ है ना बड़ा टायर ही फंसा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि भाई लोडर को टेक देना है ऊपर में ना, लोडर तो ऊपर में है, टायर भी, छोटा टायर भी ऊपर में है, खाली बड़ा टायर फंसा हुआ है ना। तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए कि बूम है ना भाई, आपको हल्का सा धीरे धीरे करके डाउनल में रखना है। कहाँ पे? डाउनल में, जिस साइड में डाउनल है ना उस साइड में डालकर है ना भाई दबा कर मशीन को ऊपर खींचना है। अगर दोनों टायर, अगर आप सोचिए दोनों टायर अगर मैं पीछे में, दोनों टायर कैसा कि पीछे आगे का टायर और पीछे का दोनों टायर अगर डाउनल में फंसा हुआ है, तो उस टाइम में क्या कर सकते हैं ना भाई, तो पूरा बूम है ना भाई सीधा इस साइड में ले सकते हैं। किस साइड में? जहाँ पे मिट्टी ढकल रहा था ना भाई ऊपर के साइड में, पूरा स्विंग करना है। किस तरह से करना है? पूरा फुल स्विंग करना है। कैसा? पूरा फुल स्विंग करके ना भाई ऐसा घुमाना है कि पूरा लोड, आगे का लोडर है ना भाई राइट साइड में घूमना है, घूम जाना चाहिए, ऐसा उल्टा खींचना चाहिए, ताकि ना वो आगे का बूम है ना भाई, आगे का लोडर है ना भाई डाउनल में चला जाइए, डाउनल में चला जाना चाहिए। ऐसा स्टीयरिंग को फुल घुमाना चाहिए और लोडर को पूरा डाउनल में उतार देना चाहिए, और ऐसा घुमाने से ना भाई लोडर है ना नीचे खड्डे में चला जाएगा और बूम मशीन है ना ऊपर में चला जाएगा। तो ऊपर में जब अगर लोडर नीचे चला गया, तो ऊपर से हम ना बूम से खींच कर मशीन को ऊपर ले सकते, पलटी नहीं होगा, ये तरीका से मशीन निकाल सकते। लेकिन इसने गलती कर दिया, तो इसकी वजह से मशीन पलटी हो गया। तो आप है ना, कभी भी ऐसा हो गया ना भाई, तो ऐसा ट्रिक अपनाइए, तभी कभी मतलब ऐसा पलटी कभी नहीं होगा। अगर आप में जो बताया अगर करेगा ना, तो पलटी कभी नहीं होगा। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके पास कोई भी वीडियो ना भाई, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।